जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के चौथे अध्याय की परम पावन कथा। तो आपसे निवेदन है कि कृपया आप इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना और ध्यान से सुने, क्योंकि श्रद्धा भावना से सुनी गई कथा का ही पूरा फल मिलता है। तो कार्तिक मास के चौथे अध्याय की परम पावन कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक मास महात्म्य की जय। अब चौथा अध्याय। नारद जी कहते हैं, यह कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके आकाश से विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडलों में रख लिया, किंतु वह उसमें अंट न सका। तब उन्होंने उसे कुएं में ले जाकर डाल दिया। जब उसमें भी वह न आ सका, तब मुनि ने उसे तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां भी यही दशा हुई। इस प्रकार उसे अनेक स्थानों में रखते हुए अंततोगत्वा उन्होंने समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वह विशाल काय हो गया। तदनंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और उस शंख को अपने हाथ में लिए वे बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया। भगवान श्री विष्णु जी बोले कि हे महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उसका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर सब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए तथा ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा गुहाकों ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके यह प्रार्थना की। देवता बोले, हे देवाधिदेव जगन्नाथ प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए यह बड़े हर्ष का समय है, अतः आप हमें वरदान दें। हे रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है, अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से यह भोग और मोक्ष का भी दाता हो। साथ ही यह समय भी महान पुण्यदायक और ब्रह्म हत्यारे आदि की भी शुद्धि करने वाला हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो, यही वर हमें दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि हे देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें मेरी भी सम्मति है, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र नाम धारण करे। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा मैया को ले आएंगे और वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेंगी। ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा मेरी समीपता की प्राप्ति करने वाले हों। सात जन्मों में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा।
जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्यों के लिए महान पुण्यमय तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ प्रातःकाल स्नान करेंगे उनके लिए यह स्थान पाप नाशक होगा। मकर राशि पर सूर्य के रहते समय माघ में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन मात्र से सारे पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सूर्योदय होने से अंधकार भाग जाता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय यहाँ प्रातः स्नान करने पर मैं मनुष्यों को क्रमश सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति दूंगा। हे मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। यद्यपि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ तो भी बद्रीवन में सदा विशेष रूप से निवास करता हूँ। अन्यत्र 10 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही वहाँ 1 दिन की तपस्या से तुम लोग प्राप्त कर सकते हो। जो नरश्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं वे सदा के लिए जीवन मुक्त हैं, उनके शरीर में पाप नहीं रहता। नारद जी कहते हैं, देव देव भगवान विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वही अंतर ध्यान हो गए तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों से वहां रहकर स्वरूप से अंतर ध्यान हो गए। जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता या सुनाता है वह तीर्थराज प्रयाग और बद्रीवन की यात्रा करने का फल प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के 4th अध्याय की कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। यह सारी कथा पद्म पुराण में से हम आपको सुना रहे हैं। श्री पद्म पुराण की इस पौराणिक कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं और कार्तिक मास में जो इस कथा को सुनता है या इसका पाठ करता है उसके जीवन में भगवान किसी चीज की कोई कमी रहने ही नहीं देते। उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती, सुख संपत्ति वैभव सब कुछ मिलता है, साथ ही उसको भगवान की भक्ति भी मिलती है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल अंबाला शहर की ओर से आप श्री पद्म पुराण से कार्तिक मास महात्म्य के 4th अध्याय की यह परम पावन कथा सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे यह निवेदन है कि आगे आने वाली सभी अध्यायों की कथा को भी आप अवश्य सुने। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय कार्तिक मास महात्म्य की।